नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये दोस्तों जो वीडियो है यह है टेम्परामेंट के बारे में, जिसके लिए जो रिक्वेस्ट मुझे आई थी एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो आई थी डॉक्टर प्रयाज सिंह जी के तरफ से। तो प्रयाज सिंह जी, मैं आपका रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट करा है और अब मैं टेम्परामेंट इन द होम्योपैथी पर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू करने के पहले हम थोड़ी सी दो तीन और दूसरी बातें करेंगे कि सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को कंटेंट को और इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसको पसंद नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करें और डिसलाइक करते वक्त तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कारण बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है, जिससे कि हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है ना। ये पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों, इस चैनल पे हर शनिवार शाम को 4:30 बजे अब मैं लाइव आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी महीने में शनिवार आए उस शनिवार को मैं आपके साथ मौजूद रहूं। तो वो लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, जिससे कि लाइव क्लिनिक लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ये लाइव सेशन सभी लोगों के लिए है, ये पेशेंट्स के लिए भी है और ये जो है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, न्यूली बिल्ट डॉक्टर और एक्सपीरियंस डॉक्टर, ये लाइव सेशन सभी के लिए है। तो अगर आप लोग मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव सेशन में अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। दोस्तों बिना देरी करें हम जाते हैं टेम्परमेंट वीडियो के शुरुआत में। टेम्परमेंट क्या होता है? टेम्परमेंट बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। पर ये जो साइकोलॉजिकल टर्म है, होम्योपैथी के अंदर इस टेम्परामेंट को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, ठीक है ना। तो टेम्परामेंट मतलब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, इसको हम टेम्परामेंट कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ज्यादातर लोगों के लिए बोलते हैं, यार वो तो शॉर्ट टेम्पर है, वो तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है, इज अ शॉर्ट टेम्पर। तो व्हाट इज द टेम्पर? यहाँ पे टेम्पर से, शॉर्ट टेम्पर से उसकी स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं हम कि भाई वो जो है वो बहुत जल्दी एंगर हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परामेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड। और ये स्टेट ऑफ माइंड होम्योपैथी के अंदर इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, तो हम चलते हैं दूसरे पेज पे। और मेरी व्हाइल आई एम स्टडिंग रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन आई एम एबल टू फाइंड अ वेरी ब्यूटिफुल वेरी फैंटेबुलस वेबसाइट ऑन विच देयर इज मैंशन द ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द टेम्परामेंट। और इस वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट का नाम है medicosage.com। तो सबसे पहले बहुत बड़ा शाउट आउट medicosage को कि इनने इतना प्यारा कंटेंट गूगल के ऊपर डाल करके रखा है और ये इतना हेल्पफुल है मेरे लिए भी और लाखों लोगों के लिए। अगर ये वेबसाइट ना होती तो शायद मैं टेम्परामेंट आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं समझा पाता, ठीक है ना। तो वेरी बिग शाउट आउट, और इसका क्रेडिट मैं पूरा का पूरा medicosage को दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए। और दोस्तों हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं टेम्परामेंट को समझने में कि हमको टेम्परामेंट को किस तरह से समझना है। तो मैं इसको वेबसाइट को आप देख सकते हैं, वेबसाइट का नाम medicosage.com। और दोस्तों मैंने अपने जो कर्सर है उस कर्सर को मैंने बहुत बड़ा इसलिए करके रखा है और कलरफुल इसलिए करके रखा है कि जिससे कि आप लोग समझ पाए और देख पाए कि मैं कर्सर जहां पे घुमा के रीड करूंगा आप लोगों को उन्हीं लाइनों पे ध्यान देना है। तो टेम्परामेंट इन होम्योपैथी, अब टेम्परामेंट के बारे में वर्ड मीनिंग के बारे में बात करेंगे। द वर्ड टेम्परामेंट इज अ लैटिन डेरिवेटिव ऑफ द टेम्परारा, टेम्परारे 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 शब्द, जो कि एक लैटिन शब्द है, इससे इसका डेरिवेशन हुआ है टेम्परामेंट शब्द का, जिसका मतलब है टू टेम्पर, टू टेम्पर और अ पर्सन्स स्टेट ऑफ माइंड। कि पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इससे इस वर्ड का लैटिन वर्ड से इसको हम डिराइव करा है। और अब स्टेट ऑफ माइंड अगर आप पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीइंग होम्योपैथ हम लोग मेंटल सिम्टम्स पे और कहीं ना कहीं पेशेंट की इंडिविजुअलिटी को स्थापित करने में हम बहुत ज्यादा इस चीज को यूज करते हैं एज अ होम्योपैथ। मतलब टेम्परामेंट और स्टेट ऑफ माइंड, मैं नहीं समझता कि इस धरती पर सिर्फ होम्योपैथी वो प्रैक्टिशनर होगा जिसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखेगी। मतलब एक फीवर का भी केस है तो कहीं ना कहीं फीवर में भी कई लोग, कई डॉक्टर्स जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, वो टेम्परामेंट को देख के मेडिसिन निकालते हैं कि अल्टीमेटली आपका फाइनल रिजल्ट आया आपके पास एक पेशेंट के बीमारी के लिए 3 या 4 मेडिसिन का, तो वो 4 मेडिसिन में से इसकी कौन सी है
ये आप इसका टेम्परामेंट प्लस मेडिसिन के टेम्परामेंट को मैच करके फाइनल आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। और उन मेंटल सिम्टम का एक बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा पार्ट होता है टेम्परामेंट, विच इज द स्टेट ऑफ माइंड। अब जो आगे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वो टेम्परामेंट को ऑन द मेडिकल ग्राउंड, ऑन द साइंटिफिक ग्राउंड उसका एक्सप्लेनेशन है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे बात हो रही है कि जो हिप्पोक्रेट है, हिप्पोक्रेट ने क्या बोला था, हिप्पोक्रेट ने पहले तो अरिस्टोटल ने बताया था कि क्या बताया था कि टेम्परामेंट इज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द पर्सन बॉडी एंड सोल, मतलब एक व्यक्ति, उसका शरीर और उसकी आत्मा, इसका जो एक तीनों का एक संगठित नेचर होता है, ये वो नेचर होता है जिससे हम व्यक्ति को पहचानते हैं। मतलब आप समझिए, नेचर ऑफ बॉडी सोल है ना, नेचर ऑफ बॉडी और सोल, मतलब एक व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसा होता है। आप ये समझो ना कि हम दो व्यक्ति, हमारे दो दोस्त हैं, हम दो दोस्तों के बीच में फर्क जानते हैं ना कि यार हमारा ए जो दोस्त है वो यार इस टाइप का है, मतलब वो इस टाइप का इसलिए क्योंकि उसका टेम्परामेंट वैसा है। वहीं जो बी हमारा दोस्त है वो ए से अलग है हमारे लिए, उसका व्यक्तित्व हमारे मेमोरी में अलग है। वो क्यों अलग है, क्योंकि इसका टेम्परामेंट अलग है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ए एंड बी डिसाइड्स दैट व्हाट विल बी द टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन। और वो जो इंडिविजुअलिटी एक व्यक्ति को मेंटली मिलती है, एक मेंटल इंडिविजुअलिटी जो एक व्यक्ति को प्रदान करते हैं, वो सिर्फ उसका टेम्परामेंट करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि टेम्परामेंट इज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द पर्सन बॉडी एंड सोल, ठीक है ना। अब हिप्पोक्रेट ने इसके बारे में, हिप्पोक्रेट कौन थे भाई, हिप्पोक्रेट वॉज द ग्रीक फिलोसोफर एंड फिजिशियन हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ही बिलीव दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ फोर ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ठीक है ना। और ये जो चार ह्यूमर, जो चार लिक्विड है, वो मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूं। कि हिप्पोक्रेट का यह मानना था कि मानव शरीर चार प्रकार का ह्यूमर, ह्यूमर मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर आपने इम्यूनिटी पढ़ी हो तो इम्यूनिटी के अंदर एक ह्यूमरल कंपोनेंट होता था और एक सेलुलर कंपोनेंट होता था। आप में से ज्यादातर ने इम्यूनिटी को जब पढ़ा होगा, जब फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में, तो इम्यूनिटी के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। एक होता है सेलुलर कंपोनेंट जिसमें सेल्स होते हैं, और एक होता है ह्यूमरल कंपोनेंट, जो ह्यूमर मतलब लिक्विड है। ये वो मतलब कॉमेडी वाला ह्यूमर नहीं है, हंसाने वाला ह्यूमर नहीं है, ये लिक्विड वाला ह्यूमर है। जैसे कि आंखों के अंदर विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर होता है ना, तो वो ह्यूमर क्या बताता है, आंखों के अंदर का आईबॉल के अंदर पानी बताता है। तो यहां पे हिप्पोक्रेट का मानना था कि जो मानव शरीर है वो बेसिकली उसका संगठन चार प्रकार के ह्यूमर से होता है, और जिसके अंदर, और ये चार प्रकार का ह्यूमर मतलब चार प्रकार के लिक्विड। कौन कौन सा लिक्विड, ब्लड मतलब खून, फ्लेगम मतलब ये फ्लेगम जो होते हैं ना, बेसिकली ये लिम्फेटिक फ्लूइड्स की बात हो रही है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स की बात कर रहा हूं मैं, कि एंटीबॉडीज हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके अंदर जो जो जितने भी अपने मतलब ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होते हैं वो फ्लेगम वहां से आ रहा है। तो एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया फ्लेगम, तीसरा हो गया येलो बाइल, चौथा हो गया ब्लैक बाइल। हिप्पोक्रेट और एरिस्टोटल का यह मानना था कि ये जो चार तरल पदार्थ होते हैं जो बॉडी के संगठन में, मतलब देखो ये चारों के चारों लिक्विड, चारों के चारों ह्यूमरल कंपोनेंट हमारी सबकी बॉडी में है। मतलब मैं हूं, मेरे अंदर भी ये चार हैं, आप हो, आपके अंदर भी चार हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई लिम्फेटिक सिस्टम है तो मेरे अंदर फ्लेगम है, मेरे अंदर ब्लड है, मेरे अंदर येलो बाइल है क्योंकि मेरे पास लीवर है, और मेरे पास ब्लैक बाइल भी है। अब फर्क यहां पे पड़ता है कि इन चारों में से जिसकी प्रधानता जिस शरीर में ज्यादा होगी, उसका माइंड और उसका जो नेचर और बिहेवियर और टेम्परामेंट होगा वो उस तरह से हो जाएगा। तो ये एरिस्टोटल और हिप्पोक्रेट ये इसके अंदर बता रहे हैं। तो दैट इज वाई द फोर ह्यूमर रिप्रेजेंट्स द फोर टेम्परामेंट। मतलब ब्लड के लिए कौन सा टेम्परामेंट है, सैंग्वाइनस टेम्परामेंट, सुना है ना आपने, सैंग्वाइनस टेम्परामेंट। फ्लेगम के लिए है फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, येलो बाइल के लिए है बिलियस टेम्परामेंट, और ब्लैक बाइल के लिए है मेलेनकोलिक टेम्परामेंट। ये चार टेम्परामेंट इसलिए है। और इसके अलावा वीडियो के आगे और पता चलेगा कुछ एक्सेसरी टेम्परामेंट भी बताए गए हैं, वो भी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो अब हम आ गए वापस से अपने गूगल के पेज पे कि ही बिलीव दैट द बॉडी इज मेड अप द फोर ह्यूमर ब्लड फ्लेगम येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. दीज ह्यूमर सर्कुलेट इन द बॉडी एंड डिटरमाइन द यूनिक फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन. If any imbalance in these humors occur, then it causes the disease condition. और इसलिए इनके disturbance के कारण disease condition बनती है और उसी के कारण कहीं ना कहीं temperament mentally हमको representation में आते हैं. Eventually these humors are known as the temperaments, known as the blood represent for the sanguine temperament, phlegm represent for the phlegmatic temperament, ब्लैक बाइल रिप्रेजेंट द मेलेनकोलिक टेम्परामेंट एंड येलो बाइल रिप्रेजेंट द बिलियस टेम्परामेंट, है ना. तो ये क्या है, बॉडीली डिस्पोजिशन होती है. ये गैलन बोल रहे हैं ना, ये ग्लेनस बोल रहे हैं, पर अब अपन क्या इतना डिटेल में एक एक लाइन पढ़ेंगे तो वो अपना काम का नहीं. तो अब यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. टेम्परामेंट आर द टेंडेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन द पर्टिकुलर मैनर. कहने का मतलब होता है कि टेम्परामेंट जो होती है वो इंडिविजुअल की टेंडेंसीज होती हैं, जो रिएक्ट करता है. अगर आपको मेडिसिन के अंदर सक्सेस होना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आप ह्यूमन बॉडी को एज अ रिएक्शनरी ऑर्गेनिज्म देखना शुरू करिए. ह्यूमन बॉडी क्या है, हम क्या है, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को हम रिएक्ट करते रहते हैं. लाइफ का बस यही पर्पस है, लाइफ का पर्पस है एग्जिस्ट करना और अपने सराउंडिंग्स को की स्टिमुलाई को रिएक्ट करना. मतलब हमको कोई एंटीजन हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमको फीवर आ रहा है, तो फीवर क्या है, रिएक्शन है. कोई हमको मेंटली इरिटेट करता है तो हम उसको इरिटेशन से हम उसको रिटेलिएट करते हैं, तो ये क्या है, रिएक्शन. तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर और रिएक्शन क्या होगा मेंटली, ये उसका टेम्परामेंट डिसाइड करता है, है ना. इतनी सी बात है यहाँ पे. आइए वापस इस स्क्रीन पे आते हैं हम. अब आगे चलते हैं. दीज टेंडेंसीज आर डिटरमाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मेंटल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज. टेम्परामेंट आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द जीन एंड एनवायरमेंट. ऑब्वियस बात है, गुस्सेल आदमी का लौंडा गुस्सेल होगा, है ना. सिंपैथेटिक आदमी का बच्चा सिंपैथेटिक होगा, चोर का बच्चा चोर होगा, इंटेलिजेंट लिटरेट आदमी का बच्चा लिटरेट होगा. तो ये जेनेटिकली कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई टेम्परामेंट के, दे आर द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअलिटी प्रदान करते हैं, आप समझिए. इनकी मानसिक स्थितियों में फर्क होता है. तो जो हम जिस हम होम्योपैथी के अंदर जिस इंडिविजुअल अप्रोच की, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, उस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में सबसे पहली चीज जो हमको एक डिफ्रेंशिएट करते हैं दो पेशेंट में, वो होती है उनकी मेंटेलिटी. क्योंकि फिजिकली हर एक पेशेंट एक जैसा है, सबके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, एक सर है, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, पर उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट आता है वो उनकी मेंटेलिटी इसको लेके आता है. और ये जो यूनिकनेस एक पेशेंट को उसकी मेंटल लेवल पे जो चीज प्रदान करती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेम्परामेंट. वो टेम्परामेंट ही होता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब उसके शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो क्वालिटीज है उसका एक्सप्रेशन होता है टेम्परामेंट. दे आर द स्टेट एंड डिस्पोजिशन एंड टाइप ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना. तो ये सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब क्लासिफिकेशन में आपको बता ही चुका हूं कि भाई सेंग्वाइन मतलब जो ब्लड से बनता है वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट है. क्लोरिक या फिर बिलियस मतलब ये फ्लेगमे, ये बिलियस मतलब ये येलो बाइल से होने वाला जो टेम्परामेंट जो उसको एट्रीब्यूट करता है वो बिलियस टेम्परामेंट है. फ्लेगमेटिक मतलब जो फ्लेगम से कैरेक्टराइज होता है वो फ्लेगमेटिक, और जो ब्लैक बाइल से कैरेक्टराइज होता है तो उसको कहते हैं मेलेनकोलिक टेम्परामेंट. तो वी मे ऑब्जर्व देम इन द कॉम्बिनेशन इन अ सिंगल पर्सन, बट वन टाइप ऑफ द टेम्परामेंट विल ऑलवेज डोमिनेट ओवर द अदर. कहने का मतलब है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन इज कन्फाइंड और कंस्टिट्यूटेड बाय ओनली सिंगल टेम्परमेंट एट द टाइम. देयर मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन ए इंडिविजुअल एट द सेम टाइम, बट द एक्सक्लूजन इज दैट कि द प्रधान टेम्परमेंट, द मोस्ट अपर मोस्ट टेम्परमेंट की जो झलक है वो आपको हमेशा साथ दिखेगी. कहने का मतलब टेम्परमेंट चार प्रकार का ही होगा, उनके अंदर अगर कॉम्बिनेशन भी होंगे तो उसका जो चीफ
जो सबसे प्राइमरी टेम्परामेंट है, यू कैन एबल टू वॉच दैट टेम्परामेंट वेरी डिस्टिंक्टली, वो हमेशा सामने दिखेगा। अब हम इंडिविजुअल टेम्परामेंट के बिहेवियर, कि कौन से टेम्परामेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा टेम्परामेंट कौन सी मॉर्बिड कंडीशन और डिजीज को अट्रैक्ट करता है, और उसके कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या है, ये किस तरह से है, चारों टेम्परामेंट में क्या डिफरेंस है, मेंटली इन लोगों के अंदर क्या डिफरेंस है ना। तो द फर्स्ट वन इज सैंग्वाइन टेम्परामेंट। अब सैंग्वाइन टेम्परामेंट में ये बंदा देख रहे हो जो जरूरत से ज्यादा खुश लग रहा है, तो ये आप इसको देख के समझ पा रहे हो कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट इज द वर्ड सैंग्वाइन इज द लैटिन डेरिवेटिव ऑफ द सैंगस विच मींस ब्लड। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, ये आप सब नोट डाउन कर लेना, या बाद में आप वीडियो के बाद में वीडियो को जब भी देखें तो इस वेबसाइट पे जाके इसके नोट्स बना लीजिएगा कि सैंग्वाइन इज इक्वल टू फायर प्लस हीट प्लस मॉइस्चर। फायर प्लस हीट प्लस मॉइस्चर से जो होता है सैंग्वाइन टेम्परामेंट बनता है। सैंग्वाइन बंदा, ये बंदे को देखो आप, ये बंदा जरूरत से ज्यादा खुश लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, तो दिस इज द सैंग्वाइनस टेम्परामेंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीपल हैविंग दिस टेम्परामेंट आर टेंड टू द जॉयफुल लाइवली एक्सट्रोवर्टेड केयरफ्री एंड टॉकेटिव। ये मतलब दीज पीपल्स जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के लोग होते हैं, दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। ये लाइवली होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, केयरफ्री होते हैं, हकुना मटाटा, कोई टेंशन नहीं लाइफ की, ये लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो दीज आर द सैंग्वाइन टेम्परमेंट फेलोस। उसके अपोजिट में मेलनकोलिक टेम्परमेंट है ब्लैक बाइल वाला, तो इसका जस्ट अपोजिट मेलनकोलिक, कि जो बिल्कुल दुखी आत्मा है, मतलब मरने मरने को हो रहा है, उसका मेंटल टेम्पर ही पूरा डिप्रेसिव है, पढ़ेंगे वो आगे, पर आप लोगों को याद हो जाए इसलिए मैंने सैंग्वाइन के अपोजिट में आपको मेलनकोलिक तुरंत बता दिया है ना। तो ये दीज आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, मतलब भाई बहुत खुश आदमी है ये, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खुश है। वार्म हार्टेड इंडिविजुअल हु आर ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिव, मतलब दुनिया में कुछ खराब चीज है ही नहीं इनके लिए, सब अच्छा है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ऑल इज वेल। दे कैन इजिली मेक न्यू फ्रेंड्स, सोशल होते हैं बहुत ज्यादा, हु आर नोन एज द सोशल बटरफ्लाई। एक बहुत अच्छा सैंग्वाइन टेम्परमेंट के लिए जो शब्द यूज करा है इसमें, सोशल बटरफ्लाई, सामाजिक तितलियां होती हैं, जहां जाते हैं ये फ्रेंड बनाते हैं, जो इतने लाइवली होते हैं, इतने जिंदा दिल होते हैं, इतना खुश होते हैं, ठीक है ना। दे कैन बी आर्टिस्टिक विथ फुल ऑफ द आइडियाज एंड इमेजिनेशन, मतलब भयंकर कलाकार टाइप के लोग होते हैं। डे ड्रीमर्स, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इतने कलाकार होते हैं कि इनके पास आइडियाज की कमी होती है, एक शब्द हो तो कमी नहीं होती है। हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ द पीपल एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दे आर फुल ऑफ द पल्स एंड हैव द गुड मेटाबॉलिज्म। अब सैंग्वाइन का मतलब यहां पे समझो कि ब्लड की अधिकता है, ब्लड की अधिकता के कारण अब मैं इसके अंदर कुछ फिजिकल अपियरेंस जोड़ता हूं, ये गोरे होंगे, ये इतने ज्यादा फुल ऑफ ब्लड होंगे, प्लेथोरिक होंगे, है ना, इनके बॉडी के अंदर ब्लड की प्रधानता है, जो ब्लड है उसके अंदर वेग बहुत ज्यादा है, उसके कारण सैंग्वाइन मतलब लाल शब्द होता है। सैंग्वाइन का जो ग्रामर और जो इंग्लिश का जो हिंदी ट्रांसलेशन करे तो सैंग्वाइन का मतलब लाल होता है, और लाल से ही इसको इसका जो ब्लड का है, ब्लड से इसको रिलेट करा गया है ना। तो कहां तक आ गए थे भाई, तो दे आर फुल ऑफ पल्स, ये लोग फुल पल्स वाले पेशेंट होंगे, हैविंग वेरी गुड मेटाबॉलिज्म। कौन सी बीमारियां ये अट्रैक्ट करेंगे, मॉर्बिड स्टेट क्या होगी, दे कैन हैव द ब्लड रिलेटेड डिजीज, डिजीज लाइक द फिब्राइल इन्फ्लेमेशन, डायरिया, टैकीकार्डिया, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज आर कॉमनली ऑब्जर्व इन देम। डिजीज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द लैसीट्यूड, our diseases are mostly associated with the lack of energy, they are chronically late and forgetful people and they can be the impulsive and jealous या फिर ambitious हो सकते हैं। envy मतलब competition की भावना रखने वाले। अब example Aconitum napellus, Crataegus, Nux vomica, Phosphorus, Belladonna, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना sanguine temperament। अब हम आते हैं bilious temperament, कोलेरिक टेम्पर या फिर इसको बोलते हैं बिलियस टेम्परमेंट। अब बिलियस टेम्परमेंट में ये जो बंदा दिख रहा है ना, अब देखो आप इस ये जो ये है, ये गधा, इसके एक्सप्रेशन और इसके एक्सप्रेशन में कितना फर्क है। ये जो है ये एक कॉमन मैन है जो सैंग्वाइन टेम्परमेंट का, बहुत हैप्पी है,
ये थोड़ा सा दिख रहा है अमीर आदमी। अमीर आदमी मतलब ये दिख रहा है हमको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अपनी लाइफ में। तो वर्ल्ड कोलेरिक इज द ग्रीक ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोलेरा, कोलेरा जिसका मतलब होता है बिलियस। बिलियस मतलब बाइल की बात हो रही है। बाइल बोले तो पीला पित्त, मतलब लीवर से निकलने वाला बाइल, ठीक है ना। तो जो बिलियस टेम्परमेंट होता है इज इक्वल टू हीट प्लस फायर प्लस ड्राइनेस। ये क्या था? ये था फायर हीट प्लस मॉइस्चर। ये हो गया हीट प्लस फायर प्लस ड्राइनेस, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। पीपल हैविंग द दिस टेम्परमेंट आर द ईगो सेंट्रिक एंड एक्सट्रोवर्टेड। समझो मेरी बात, ये ईगो सेंट्रिक होगा, मतलब इसको मतलब ये अहम वाले लोग होते हैं ना। देखो जो सेंग्वाइन टेम्परमेंट का बंदा है वो जिंदगी की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है, एक्सट्रोवर्टेड है, मतलब वो एक्सट्रोवर्टेडली अपनी फीलिंग बताता है यार, सच अ ब्यूटीफुल वेदर एंड सच अ रेनी सनी डे एंड आई एम फीलिंग वेरी वेल टूडे, आई हैड डन द शॉपिंग यस्टरडे एंड आई एम फीलिंग वेरी बेटर। वो उसका एक्सप्रेसिव है, वो एक्सप्रेसिव वो भी है, पर ये एक्सप्रेसिव ये भी है बिलियस टेम्परमेंट वाला। पर बिलियस टेम्परमेंट वाला साला ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब इसको खुद का अहम बहुत होता है साले, मतलब इसके अंदर अरे मैं ये हूं मैं वो हूं, मतलब एक्सप्रेशन ये भी दे रहा है, इंट्रोवर्टेड नहीं है, ये है एक्सट्रोवर्टेड। पर इसका जो है ना इसका इसका टेम्पर ही अलग लेवल पे है। इसका टेम्पर है कि मैं ही हूं जो हूं, बाकी सब हैं गधे, जो हूं इंटेलिजेंट हूं जो कुछ, मतलब मैं ही हूं, मेरे अलावा है ही नहीं, घंटा कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं इस दुनिया में, मेरे अलावा कुछ नहीं है। दे कैन बी इजीली एक्साइटेड इंपल्सिव एंड रेस्टलेस, ठीक है। दे आर फुल ऑफ एनर्जी एग्रेसिवनेस एंड ट्राई टू इम्प्लांट देम ऑन अदर। वही मतलब अपने आप को दूसरों के ऊपर अपने को अपने विचारों को थोपना, मैं ही सही हूं तुम सब गधे हो। तो ये दे आर ट्राइंग टू इम्प्लांट देम सेल्फ ऑन अदर, वो खुद के विचार दूसरों पे थोपते हैं, ठीक है ना। ईगो सेंट्रिक होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब खुद का ही महिमा मंडन करना, बॉर्न लीडर। और इसी वजह से इसी व्यवहार के कारण दे आर बॉर्न लीडर। टेक ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड पीपल विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस डिसिसिवनेस एंड स्ट्रांग विल्ड। और इसके कारण इनको क्या बनाया जाता है, ये लोग जनरली ऐसे लीडर पाए जाते हैं। मतलब ये जो है ना, ये जो सेंग्वाइन टेम्परमेंट का एक मिडिल क्लास एम्प्लॉई है, इसका जो बॉस होगा ना वो होगा बिलियस टेम्परमेंट का बंदा। क्योंकि ये जहां पे ये गधा नौकरी कर रहा होगा ना, तो ये जो गधा नौकरी कर रहा है ये इस गधे के अंतर्गत नौकरी कर रहा है, इसकी कंपनी में नौकरी कर रहा है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ईगोसेंट्रिक है, एक्सट्रोवर्टेड है, एक्साइटेड इंपल्सिव रेस्टलेस फुल ऑफ एनर्जी एग्रेशन इम्प्लांट देमसेल्फ ऑन अदर बॉर्न लीडर टास्क ओरिएंटेड पीपल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस डिसिसिवनेस स्ट्रांग विल्ड। दे आर हाईली एम्बिशियस एंड फोकस्ड ऑन गेटिंग द जॉब डन, दैट इज वाई दे आर बॉसेस। They are generally the work what this type of person do, they are bosses. They like to be in charge, so they can show the leadership. Very good planning, बहुत अच्छे planner होते हैं, come up with the practical solution and related idea. They also like the to receive respect and esteem from their worker. इनको इनके worker से, इनका इस nature का main कारण होता है इनके वर्कर जो भी इनके अंतर्गत काम कर रहे हैं वो जो है इनको जरूरत से ज्यादा इज्जत दें। इनको इज्जत मिलती भी है, बहुत अच्छे प्लानर बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है एक्सट्रोवर्टेड दोनों है, पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंग्वाइन एंड बिलियस, आप ये अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं ना मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा और बार बार इन सब चीजों को सुनने की कोशिश करिएगा। कौन सी बीमारी है, व्हाट आर द मॉर्बिड स्टेट जिनको ये अट्रैक्ट करते हैं। दे आर इजीली प्रोन टू एंगर, गुस्सा बड़ा तेज आता है और आधे से ज्यादा समस्याएं उनकी इसी वजह से होती हैं। दे कैन नॉट बियर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। दे मे सफर फ्रॉम द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। प्लेटिना भाई, प्लेटिना पड़ी थी, प्लेटिना की लेडी ऐसी पगलेट होती है कि भाई उसको भले से वो 4 फुट की हो पर उसको अपने सामने 5.5 फुट की औरत भी छोटी लगती है, इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वो फेक है कॉम्प्लेक्स, देखो बात सुनो, वो फेक कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके पीछे भी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बंदे के लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसकी वैसी कैरेक्टरिस्टिक प्रकृति ने उसको दिए हैं और इसलिए वो समझ भी सकता है कि नहीं आई एम सुपीरियर टू देम,
और इसलिए जनरली ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओज होते हैं, लोगों के बॉस होते हैं, सैकड़ों लोगों की टीमों को ये लोग लीड करते हैं, है ना। तो दिस इज द नॉट द फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना। दे कैन बी डिसिटफुल एंड हिपोक्रेटिक भी हो सकते हैं। मैनी टाइम्स दे सीम्स टू लाइक द लेक ऑफ द सिंपैथी एंड अनइमोशनल भी डिक्लेयर करते हैं इनको लोग। ऐसा लगता है इनके चरित्र को देख के इनमें इमोशंस की कमी है। फिजिकली दे आर टॉन प्रॉन टू द लीवर डिजीज, या लीवर की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इंसोमनिया, हाइपर एसिडिटी, एक्सेसिव फिजिकल सेंसिटिविटी स्पेशली ऑफ स्किन आर द कॉमन और कॉमनली ऑब्जर्व इन देम। ओके, मेडिसिन कौन सी है? प्लेटिना, देखो मैंने प्लेटिना बोला था, प्लेटिना, पोडोफाइलम लेकेसिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्राइनिया, एलोस। अब आते हैं हम तीसरे टेम्परमेंट में। अब ये देखो, ये दोनों ऊपर के टेम्परमेंट जो थे एक्सट्रोवर्टेड थे, कौन सा? बिलियस और सेंग्वाइन। अब इसके नीचे के दो आएंगे ना, ये इंट्रोवर्टेड है। अब ये फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट का बंदा देख सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो, ये पड़ा है सोफे पे, गोलू मोलू हो रहा है, पेट निकल रहा है, हाथ में रिमोट है, नीचे कोल्ड ड्रिंक है, छाती पे वो रखे हैं इसने पॉपकॉर्न। तो द वर्ड फ्लेगम इज द लेटिन डेरिवेटिव ऑफ द फ्लेगमा विच मीन्स क्लेमी मॉइस्चर ऑफ द बॉडी। ये क्लेमी मॉइस्चर ऑफ द बॉडी से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो फ्लेगम मतलब वाटर प्लस मॉइस्चर प्लस कोल्ड। फ्लेगम इज द थिक विशस सब्सटेंस, विस्कस सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो मैंने आपको फ्लेगम के लिए क्या क्या बताया था, यहाँ पे ये फ्लेगम को किससे कोरिलेट कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस सिक्रीशन से। बट उसके अलावा ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी इसी में आते हैं, प्लाज्मा इसी में आता है, ठीक है ना। और जितने भी एंटीबॉडीज वगैरह वगैरह, मैं कहीं ना कहीं फ्लेगमेटिक को मैं इन सबसे समझाऊं, क्योंकि फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट के लोग जनरली ग्लैंडुलर डिसऑर्डर के भी पेशेंट होते हैं। चलिए अपन इसको आगे देखते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। अब यह बंदा देख लिया आपने, बंदा पड़ा हुआ है, बंदे को कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया पॉपकॉर्न खा रहा है। पीपल विद द फ्लेगमेटिक टेम्परमेंट आर द काल्म, स्लगिश मतलब स्लो होते हैं मोशन में, इनडिफरेंट, एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, इनडिफरेंट एंड वेरी लेजी। दे आर इंट्रोवर्टेड, बात करना पसंद ही नहीं है, आलस इतना भरा है साला कि किससे क्या बात करेगा। लेस सोशल, सोशिएबल, ये सोशल होते ही नहीं है। केयरिंग एंड सिंपथेटिक जरूर होते हैं। दे यूजुअली हैव द रिच इनर लाइफ, मतलब ये अपनी ही जिंदगी में मस्त हैं। ये सोफे पे बैठा है, भगवान जाने टीवी सामने चल रहा है, देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, ये खुद का ही मतलब अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं। प्रिफर टू बी क्वाइट एंड पीसफुल सराउंडिंग, दे सीम टू बी कंटेंटेड विद देमसेल्फ एंड लिव देयर लाइफ विथ हारमोनी। मतलब इनको बहुत ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा अगल बगल लोग पसंद नहीं है, वो सेल्फ कंटेंटेड है, अपने में रहते हैं और कुछ लिमिटेड लोगों के साथ अपनी जिंदगी को शांति से बिताना चाहते हैं। दे आर डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, हमेशा याद रखना ये सबसे अच्छे दोस्त होते हैं फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के। हमेशा आप कोई भी पिक्चर देखा होगा, जैसे स्पाइडरमैन का दोस्त वो मोटू नहीं था, वो कोरियन मोटा नहीं है, जो अभी लेटेस्ट स्पाइडरमैन आई है उसमें वो कोरियन मोटा है। आप ज्यादातर फिल्में देखोगे तो उसके अंदर, कहानियों के अंदर आपको एक मोटा दोस्त एक ग्रुप में जरूर दिखेगा, और वो मोटा दोस्त ऐसा होता है वो सबका दोस्त होता है। हाँ जरूर वो लेजी है, कम बात करता है, कम सोशल है, पर वो एक अच्छी जिंदगी बिता रहा है, मतलब अच्छी जिंदगी बिताते हैं, उनको बड़ा शांति से जीना पसंद है। और इसलिए क्या है, ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं बेसिकली फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले बंदे, ठीक है ना। दे सीम्ड है ना डिपेंडेबल है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इवन वेन कैन वी कैन ऑब्जर्व द स्लोनेस एंड हेजिटेशन इन देयर स्पीच, ये फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के लोग। कल्केरिया कार्ब, कि कल्केरिया कार्ब बात करने में भी शर्माता है, उसको कई बार सोचना पड़ता है मैं क्या बात करूं, मतलब हेजिटेटिंग होते हैं। क्या बीमारियां होती हैं इनको? दे आर लिटरली काउच पटेटो, काउच पटेटो मतलब जो सिर्फ आलू जैसे काउच पे पड़े रहते हैं। लिटिल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, वॉच करेंगे टेलीविजन, लेजी होते हैं, स्लॉथफुल मतलब धीरे धीरे चलने वाले, स्लो मूविंग। दे आर सो फटीग्ड दैट दे नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज। हाँ इनके साथ एक दिक्कत होती है, अपनी डेली ड्यूटीज ये नहीं कर पाते, बेचारे आलसी होते हैं ना। दे आर इनडिसिसिव विद द हैबिट्स ऑफ प्रोकास्ट्रेशन, मतलब टेंडेंसी टू डिले या पोस्टपोन। मम्मी ने बोला सब्जी ले आ, मम्मी कल ले आऊंगा, पोस्टपोन करते हैं। दे सीम टू हैव नो एम्बिशन,
एंड डिजायर टू अचीव समथिंग। इनके अंदर आपको अपेरेंटली एम्बिशन नहीं दिखेगा, कोई ऐसी डिजायर नहीं दिखेगी कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। दे मे हैव द पेलर स्किन, रेस्पिरेशन शेलो होता है, स्लो होता है। कंप्लेंट्स लाइक द लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, वेनस स्टेसिस एक्सेट्रा आर कॉमनली ऑब्जर्व। एग्जाम्पल कैप्सिकम पल्सेटिला एंड कल्केरिया कार। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेलेनकोलिक टेम्परमेंट। नाम से ही पता चल रहा है इसके बारे में कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। वॉट इज मेलेनकोलिक टेम्परमेंट? डिप्रेसिव, डिप्रेशन, मेलेनकोलिया, दुखी, है ना, इंट्रोवर्टेड, एक कमरे में बंद, अंधेरे कमरे में, कोई बात नहीं करना, किसी से चीत नहीं करना, भयंकर डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, सुसाइडल टेंडेंसी, ये मेलेनकोलिक टेम्परमेंट है। एंड दिस इज ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एंड हिपोक्रेट, इट इज एट्रीब्यूटेड टू द ब्लैक बाइल, काला वाला बाइल से ये पैदा होता है ये टेम्परमेंट, है ना। दिस टेम्परमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एयर कोल्डनेस एंड ड्राइनेस। ये एयर कोल्ड और ड्राई, इसके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक है। पीपल विद दिस टेम्परमेंट आर द इंट्रोवर्टेड, सीरियस एंड कॉशस, ठीक है। पैसिमिस्टिक होते हैं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग। पैसिमिस्टिक मतलब, पैसिमिस्टिक का अपोजिट क्या है? ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पैसिमिस्टिक? मतलब ऑप्टिमिस्टिक। तो जो अपना सेंग्वाइन है, और सेंग्वाइन के नीचे मतलब, वो सेंग्वाइन मतलब कौन? वो नौकरी करने वाला मिडिल क्लास आदमी। और उसका बॉस कौन है? उसका बॉस है बिलियस टेम्परामेंट। ये दोनों एक्सट्रोवर्टेड है, ये दोनों कहीं ना कहीं पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है। ये जो है सेंग्वाइन वाला ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इसको लगता है इसकी लाइफ बहुत अच्छी है और वाकई में लोग खुश भी रहते हैं। वो बॉस है, वो बॉस बोलता है, बोले साला मैं 100 लोगों को लीड कर रहा हूं, तो उसके लिए भी सब ऑप्टिमिस्टिक है। पर मेलेनकोलिक टेम्परमेंट के लिए, और जो हमारा आलसी भाई है फ्लेगमेटिक के लिए, ये सब इंट्रोवर्टेड है। ये दोनों इंट्रोवर्टेड है, और ये पेसिमिस्टिक भी है साले। इनको कोई उम्मीद नहीं, इनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, मतलब इनकी जिंदगी बिल्कुल लिटरली झंड है, ठीक है ना। एक जो है सोफे पे लेटे लेटे अपनी जिंदगी आलस में खराब कर रहा है, और जो दूसरा है वो ब्रूट कर करके, सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। सस्पिशियस पीपल यूजुअली क्वाइट अनसोशलेबल एंड रिजर्व्ड, किसी से बात नहीं। दे आर प्रॉन्ट टू बी प्री ऑक्यूपाइड विद द ट्रेजिडी एंड क्रुएलिटी इन द वर्ल्ड, इनको दुनिया में से बुरी चीजें दिखती हैं। दे आर ससेप्टेबल टू द मूडीनेस, डिप्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी। On the other hand, they are very talented, highly creative, sensitive and daydreamer होते हैं, पर कहीं ना कहीं उनका जो temperament है उनकी ये सारी qualities को cover करके रखता है। They prefer to do the thing by themselves, maybe because they want to maintain their own standard and they are not very sociable. These peoples are self-sacrificing, thoughtful, responsible and trustworthy. इनको भी आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉर्बिड स्टेट क्या होंगे? डिप्रेशन एंड ब्रूडिंग, डीप थिंकिंग ऑफ द समथिंग विच कैन मेक वन अनहैप्पी। ये मतलब डिप्रेसिव होते हैं, ब्रूडिंग पीपल होते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओवर सेंसिटिव टूवर्ड द सराउंडिंग एनवायरमेंट, कंप्लेंट ऑफ द हार्ट, एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंस, GIT डिस्टर्बेंस आर कॉमनली फाउंड इन दिस टाइप ऑफ पीपल, ओके। ऑरमेट बेराइटा कार, ये क्या है? ये मेलेनकोलिक टेम्परमेंट का। अब ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम इन लोगों ने बनाया है, जिसके अंदर आपको एक छोर पे दिख रहा है स्टेबल और दूसरे पे दिख रहा है अनस्टेबल। एक छोर पे आपको दिख रहा है एक्सट्रोवर्टेड एंड ऑप्टिमिस्टिक, और दूसरे छोर पे आपको दिख रहा है इंट्रोवर्टेड एंड पेसिमिस्टिक। और ये यहां पे मॉइस्ट, कोल्ड, हॉट और ड्राई, ठीक है ना। तो स्टेबल और पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक के अंदर कौन आ रहा है? सेंग्वाइन टेम्परमेंट आ रहा है, ठीक है ना। हैप्पी गो लकी, सो सोशल बटरफ्लाई, चीयरफुल एंड टॉकेटिव। वहीं पे थोड़ा अनस्टेबल की तरफ, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक में थोड़ा अनस्टेबल की तरफ कौन है? ये सेंग्वाइन का बॉस है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, वो बॉर्न लीडर है, अपनी अपनी तरीके चलाता है, इरिटेबल है, डोर है, ठीक है ना, बिलियस है। तो ये आ गया। और यहाँ पे स्टेबल, स्टेबल तो है पर इंट्रोवर्टेड एंड पेसिमिस्टिक, मतलब निगेटिव थिंकिंग रखने वाला, येट स्टेबल में आ गया आपका फ्लेगमेटिक, जो कि कंटेंडेड है, स्लॉथफुल मतलब बहुत स्लो है, इंडिफरेंट है, वॉचर है, टीवी देखता रहता है। और वहीं पे आपका इंट्रोवर्टेड पेसिमिस्टिक प्लस अनस्टेबल कौन है?
वो है मेलेनकोलिक टेम्परमेंट का, जो वीपिंग ऑफ हार्ट, ग्लूमी, डिप्रेसिव थिंकिंग, मतलब जिंदगी बेकार है इसकी, है ना। अब देयर आर एडिशनली थ्री, अब जो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो मूलभूत रूप से एरिस्टोटल और हिप्पोक्रेट ने चार मायासम बताया, सेंग्वाइन, बिलियस, मेलेनकोलिक एंड फ्लेगमेटिक, इनके अलावा तीन एक्सेसरी मायाजम और हैं। हम थोड़ा सा शॉर्ट में, अब देखो आधे 35 मिनट की बकर करी है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और सही, ठीक है ना। जो तीन मायाजम है, एक्सेसरी मायाजम है, एडिशनल मायाजम है, वो है नर्वस टेम्परमेंट, लिम्फेटिक टेम्परमेंट एंड इरिटेबल टेम्परमेंट। नर्वस टेम्परमेंट मतलब दोज पीपल विद द नर्वस टेम्पर इजिली एक्साइटेबल इन द नर्व आर मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट, टेक देयर डिसीजन वेरी क्विकली, दे हैव, दे शो ग्रेट एक्साइटेबिलिटी, एप्रीहेंशन अलोंग विथ मूडीनेस, दे आर स्टूडियस, इन्वेंटिव एंड वेरी एक्यूरेट टूवर्ड देयर वर्क, पेशनेट, एम्बिशियस, हार्ड वर्कर, लोकोस मतलब टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव एंड इंटेलेक्चुअल। ये होता है नर्वस टेम्परमेंट। फिजिकली दे मे बी लीन, मतलब मॉर्बिड स्टेट, लीन, पेल एंड वीक मस्कुलेचर के होंगे, दुर्बल होंगे, शारीरिक रूप से दुर्बल दिखेंगे, स्किन थिन, फेयर और डेलिकेट, पल्स थ्रेडी एंड फ्रिक्वेंट, कंप्लेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और हार्ट की कंप्लेंट आती है। ये नर्वस टेम्परमेंट होता है नक्स वोमिका का, एगेरिकस का और अपना एक्टियर एसिमो का। लिम्फेटिक, दिस टेम्परमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ द लिम्फ इन द लिम्फेटिक वेसल, ग्लैंडुलर सिक्रीशन आर सीमिंग टू बी डिस्टर्ब इन दिस टाइप ऑफ टेम्परमेंट। ये काफी हद तक फ्लेगमेटिक से आपको कॉमन लगेगा, मिलता जुलता। पेशेंट आर कैरेक्टराइज बाय द स्लगिशनेस विद द डिफेक्टिव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दे हैव टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इजिली, कैटहर, है ना, कैटहर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, एलर्जीज, स्लो, शो स्लोनेस ऑफ डाइजेशन, प्रोन टू डेवलप्ड स्टमक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स एंड फिस्टुला। ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट है। एग्जाम्पल में बैप्टिशिया, हिपरसल्फ, कल्केरिया भी रख सकते हो। इरिटेबल टेम्परमेंट में इरिटेबल मतलब महा इरिटेबल। The patient with the irritable temperament has the tendency to get angry very easily. They are very annoying type of the people. ये बहुत चिड़चिड़े होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इनके साथ मजा नहीं आता लाइफ का। They are hard to please, कभी खुशी नहीं रहते। They are very restless and always stay on the edge. ये गुस्से के हमेशा एज पे रहेंगे। Complaints like insomnia, skin disease, renal trouble, asthma, cancer, affection are commonly observed in this type of the individual. Ill-humored होते हैं, cross होते हैं। इनसे मजाक भी करोगे ना, मजाक का कुछ तो भी मर्थ निकाल लेंगे और तुम्हारे कोई चार बात सुनाएंगे, एपिस मेलिफिका। अब देखिए, till now we had understood each and every type of temperament in the detail. वो क्या होता है, किससे बनता है, उसके characteristic क्या है, उसकी कौन सी morbid condition है जिसके अंदर वो patient पड़ सकता है, कौन सी बीमारी में पड़ सकता है, और कुछ medicines के example, plus इनका mutual comparison भी बताया मैंने आपको। अब सबसे important point कि भाई ये हमारे काम कब आएंगे, as a doctor, as a practitioner हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या use कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हेल्प इन द इंडिविजुअलाइज द पर्सन, हेल्प इन द इंडिविजुअलाइज द पर्सन, एक पर्सन को इंडिविजुअलाइज करने में हमको मदद करते हैं। कि हमारे पास अगर किसी क्रॉनिक केस के अंदर फाइनली दो तीन मेडिसिन आ रही है, तो हम मेडिसिन का टेम्पर और पेशेंट के टेम्पर को मैच करके हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। ये हमको एलिमिनेटिंग मेथड में भी मदद करेगा। एलिमिनेटिंग मेथड मतलब मेरे पास में मेरा पेशेंट बैठा है, मेरे को कई सारी मेडिसिन आ रही है, अब उसके अंदर से मैं मेडिसिन का टेम्परमेंट को इससे मिसमैच करके एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो ये हमको इंडिविजुअलाइज करने में मदद करते हैं कि भाई हमारा पेशेंट पे क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई पहली बात। उसके बाद जो अगली बात है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, टेम्परामेंट, ये इसी का थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इंडिविजुअलाइज कैसे करेगा। टेम्परामेंट डिसाइड द टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस टेंडेंसी आर द लेटेंट एट द बर्थ, अ पर्सन ग्रोज एंड डेवलपमेंट विद द डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दिस डेवलपमेंट ऑफ हिज विल डिफाइन हिज बिकमिंगनेस एंड ही रिएक्ट अकॉर्डिंगली, एंड द रिएक्शन आर पिक्यूलियर टू ईच इंडिविजुअल, इनहेरिटेड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ, एंड दस ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ईच इंडिविजुअल क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से,
क्योंकि उसका टेम्परामेंट अलग अलग है। वी कैन मॉडिफाई देम इन ऑर्डर टू ट्रीट द पेशेंट, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, आराम से ये मॉडिफाई होते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। टेम्परामेंट आर नॉट द कॉन्स्टेंट और अनचेंजेबल, ये कॉन्स्टेंट नहीं होते और ऐसा नहीं कि इनको बदला नहीं जा सकता। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बिकॉज टेम्परामेंट आर ब्रॉडली इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट, इसलिए ये मॉडिफाई हो सकते हैं। ईच इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट, रिमेंबर द मॉडिफिकेशन आर ऑलवेज लिमिटेड, एक हद तक इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा फायदा टेम्परामेंट का, टेम्परामेंट हेल्प अ फिजिशियन टू स्टडी द कॉज एंड द पैथोजिनेसिस ऑफ द डिजीज। अब आपने जिस तरह से देखा कि इसके अंदर कितना डिटेल में रिलेशनशिप है टेम्परामेंट का ब्लड के मतलब बॉडी के ह्यूमर्स के साथ, मतलब चार फ्लूइड्स के साथ, तो उन फ्लूइड्स के साथ जो टेम्परामेंट का रिलेशन है उस रिलेशन को अंडरस्टैंड करके हम बीमारी का कारण, कॉज और उसकी पैथोजिनेसिस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिशियन के फिजिशियन विद द नॉलेज ऑफ द पर्सन टेम्परामेंट कैन प्रिवेंट द अनडिजायरेबल कॉम्प्लिकेशन। अगर फिजिशियन को पर्सन का टेम्परामेंट का अगर ज्ञान है, उसको पता है मेरे पेशेंट का क्या टेम्परामेंट है, तो अनडिजायरेबल कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। द स्टडी ऑफ टेम्परामेंट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सिमिलर रेमेडी, एंड लास्टली द टेम्परामेंट इन हेल्प्स इन द ग्रुपिंग ऑफ द रेमेडीज ऑफ द होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद द सिमिलर टेम्परामेंट। जब हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की स्टडी करते हैं तो हम पर्टिकुलर चार टेम्परामेंट के अंदर बहुत डिटेल की स्टडी के बाद इन मेडिसिन को ग्रुप अप कर सकते हैं, सो दैट हमको पूरे के पूरे ग्रुप का एक अंदाजा होगा कि ये ग्रुप किस टेम्परामेंट के पर्सन पे काम करता है। तो दोस्तों 40 कितने हो गए, 41 मिनट, ये 41 मिनट्स का बहुत लंबा वीडियो था टेम्परामेंट में, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब के अंदर इतना डिटेल्ड वीडियो टेम्परामेंट का इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलेगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपसे इस शनिवार बहुत जल्दी अगली लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होती है शाम को 4:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।